हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको ले चल रहा हूँ सीधा वियतनाम के एक बहुत ही प्यारे से आइसलैंड जिसका नाम है फूको। बट वेट, मैं आपको बैक स्टोरी तो बता दूं कि फूको जाने का प्लान कैसे बना। सो भाई, बहुत दिनों से मेरा प्लान था अकेले ट्रैवल करने का। मैंने काफ़ी सारी ट्रिप्स करी हैं बट मैं अकेले कहीं नहीं गया, तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था। एड एक कंपनी है जिसका नाम है बायनान, जिसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ अपने सेकंड चैनल पे। उनकी एक वर्कशॉप होने वाली थी वियतनाम के फुकॉक आइसलैंड में, जहाँ पर मुझे इनवाइट किया गया। 3 दिन की वर्कशॉप थी एंड जिस दिन मुझे इनविटेशन मिला उस दिन तो मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज अकेले कैसे मैं सब मैनेज करूंगा, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बाद में मैंने सोचा यार एक बार ट्राई करते हैं, एक बार अगर घूम लेंगे ना फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर क्या यार, मैंने अपने टिकट्स बुक करे, वीज़ा लिया। वीज़ा का प्रोसेस बहुत सिंपल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर दो। 3 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है। $25 की फ़ीस लगती है वियतनाम वीज़ा के लिए। अभी ई वीज़ा मिल रहा है, लगभग इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 2000 रुपये के आसपास आपके लगेंगे। तो ये जो ट्रिप है ना यार, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है मेरी प्रीवियस ट्रिप से, बिकॉज ये मेरी पहली ट्रिप ऐसी है जिसमें मैं अकेले जा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ। नेपाल में गया था बट नेपाल में उतना कुछ फील नहीं आता कि आप बहुत दूर आ गए हो। तो हाँ, ये एक प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रिप है। और इस ट्रिप पे मैं पहली बार फ्लाइट में ट्रैवल करने वाला हूँ। इससे पहले मैं कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया, तो ये भी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। मैं आपको बता दूँ, फूकॉक आइसलैंड के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है शायद इंडिया से। मैंने लखनऊ टू होचिमिन सिटी की फ़्लाइट बुक करी है, जिसमें मुझे पहले कोलकाता जाना होगा। कोलकाता में 5 घंटे वेट करना होगा, उसके बाद मैं कोलकाता से फ्लाई करूंगा होचिमिन सिटी के लिए। फिर होचिमिन सिटी पहुंचने के बाद वहां से 3 घंटे बाद मेरी एक और फ्लाइट है जो मुझे पहुंचाएगी मेरे डेस्टिनेशन पे, फूकॉक आइसलैंड पे। तो इसी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ मैं सुबह सुबह निकल गया लखनऊ के एयरपोर्ट अपनी पहली फ्लाइट पकड़ने के लिए। तो भाई, अपनी सोसाइटी से बाहर आ चुका हूँ। ये है लगेज, ऊबर का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से ऊबर आए। पहुँचे फिर हम एयरपोर्ट। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है यार, क्योंकि बहुत कुछ नया होने वाला है। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है कि सारी चीज़ें सही से अरेंज हो जाएंगी कि नहीं, क्योंकि कोई साथ में गाइड करने वाला भी नहीं है, जो करना है खुद से करना है। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी ऊबर का हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाए। बाकी ये है अपनी सोसाइटी। भाई आज बड़े दिन बाद मैं सुबह 5 बजे उठा हूं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुबह उठ के अच्छा फील होता है। चलो खैर, देखते हैं। अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ। ये है भाई लखनऊ का एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे हमारा लगेज है, तो जल्दी से चेकिंग करते हैं, बैग ड्रॉप करते हैं, उसके बाद लेते हैं अपना बोर्डिंग पास। तो ये रहा हमारा बोर्डिंग पास, हमें मिल चुका है। और अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। चेकिंग बैग हमने ड्रॉप कर दिया, कैबिन बैग है मेरे पास, अब इसकी सिक्योरिटी चेकिंग होगी। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी पहली फ्लाइट थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी। मुझे लग रहा था कि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता होगा, बट कुछ नहीं होता यार, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जाके अपना चेक इन बैग ड्रॉप करो, उसके बाद अपना बोर्डिंग पास ले लो और अपना सिक्योरिटी चेक इन करा के सीधा बोर्डिंग गेट पर बैठ जाओ। बस आएगी पिक करके आपको प्लेन में बैठा देगी। तो भाई फाइनली अपनी फ्लाइट रही सामने, ऑन बोर्ड करने का टाइम आ चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है भाई, मैंने फ्लाई किया, मेरा फर्स्ट फ्लाइट जब उड़ा भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया, क्योंकि विंडो सीट मैंने ले रखी थी, तो बाहर के नज़ारे भी बड़े प्यारे आ रहे थे। पहली बार फ्लाइट का एक्सपीरियंस आप समझ सकते हो, जो भी लोग बैठे होंगे, और जो नहीं बैठे हैं जब बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच गया सीधा कोलकाता। कोलकाता में मेरा 5 घंटे का हॉल्ट था, तो अब 5 घंटे मैं वहां क्या करता। मैंने वहां पर लॉन्च एक्सेस करा भाई, नियो का कार्ड था मेरे पास, उसके थ्रू मैंने एक्सेस कर लिया लॉन्च। और ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा एरिया है, कोई नहीं है यहाँ पे, सेल्फ सर्विस है, कुछ भी उठा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कई सारे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स थे, तो मैंने उनसे लॉन्च एक्सेस कर लिया। 2 रुपये का पेमेंट होता है, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें खाने पीने को मिलती है, आप रेस्ट कर सकते हो। देख लो सब लगा हुआ है, जो मन हो उठा के खाओ। और आप देख सकते हो सैंडविच है, बिरयानी है, रायता है, एक नंबर टेस्ट है। और अभी यहाँ पर कोई नहीं है, मैं ही हूँ, और सिर्फ 2 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ता है।
उसके बदले आप कितना भी खा सकते हो ऐसी लग्जरी जगह पर, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। चलो एंजॉय करते हैं बिरयानी, फिर चलते हैं अपनी फ्लाइट के पास। तो वहाँ पर मैंने आराम से 4 घंटे बिताए, उसके बाद अपनी नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी हो ची मिन्ह सिटी के लिए और पहुँच गया सीधा हो ची मिन्ह सिटी। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं हो ची मिन्ह सिटी में और हमारा इमिग्रेशन हो चुका है। सो यहीं पर ऊपर ही इमिग्रेशन होता है और भाई कुछ भी नहीं पूछा, मतलब ये तक नहीं पूछा कि किस लिए आए हो, तो बहुत मतलब इंडिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत इंक्वायरी की थी बट यहाँ कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट लिया सीधा स्टैंप लगा के दे दिया। तो अभी हम आ चुके हैं, अब 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है यहाँ से फुकुओका आइलैंड के लिए टर्मिनल 1 से। अभी हम टर्मिनल 2 में हैं तो बस मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 1 की तरफ। सो हो ची मिन्ह सिटी पहुँचने के बाद हमारा इमिग्रेशन हुआ जो कि बहुत ही क्विक था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं क्या पूछ लें, कोई और डॉक्यूमेंट ना मांग लें जो मैं नहीं कैरी कर रहा, बट भाई कुछ नहीं पूछा उन्होंने। सो गाइस वियतनाम एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ मैं और अभी मैं जा रहा हूँ डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ। सामने है और ये है भाई, बहुत प्यारा है। अभी रात के 2 बज रहे हैं और इस रूम यहाँ मैं अकेले चल रहा हूँ। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इस हो ची मिन्ह सिटी के डोमेस्टिक टर्मिनल पे और ये है इसका डोमेस्टिक टर्मिनल और ये है यहाँ के नज़ारे। वो सामने था इंटरनेशनल वाला था, ये है डोमेस्टिक। तो यहाँ से हमारी फ़्लाइट है फुकुओका आइलैंड के लिए, देखते हैं। वियतजेट एयर के थ्रू मैंने करा था तो वियतजेट एयर के पास सबसे पहले अपना चेक इन बैग ड्रॉप करना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं अपने पास, सिर्फ 3 घंटे हैं, चलते हैं जल्दी। तो अभी गाइज मैंने हो ची मिन्ह सिटी के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे चेक इन कर लिया है, बैग वगैरह हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया। देखो भाई काफ़ी अच्छा स्पेसियस है और यहाँ की ना सीट्स बहुत अच्छी हैं भाई, बहुत कंफर्टेबल है। सो हो ची मिन्ह सिटी से वियतजेट एयर के थ्रू हमने फ़्लाइट ली थी फुकुओका आइलैंड की और भाई इस आइलैंड के नज़ारे बहुत प्यारे थे। अर्ली मॉर्निंग की ये फ़्लाइट थी और भाई फ़्लाइट से जो सनराइज़ मैंने देखा है उस दिन, उससे बढ़िया सनराइज़ आज तक मैंने नहीं देखा। अभी मैं एयरपोर्ट से बाहर आ चुका हूँ और बाइनांस ने ऑलरेडी टीम भेज रखी थी, वो भाई साहब मेरा बैग लेके जा रहे हैं। इन्हीं के साथ अब हम रिज़ॉर्ट तक जाएंगे, उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाएंगे। रिज़ॉर्ट बहुत प्यारा है भाई, दिखाते हैं आपको। बाकी देखो भाई कितना प्यारा है ये फुकुओका आइलैंड, सो ब्यूटीफुल। तो एयरपोर्ट से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था हमारा रिज़ॉर्ट जो कि बाइनांस ने बुक किया था, जिसका नाम है प्रीमियर वेलेज रिज़ॉर्ट। वहाँ पर हम पहुँचे, भाई इससे बढ़िया रिज़ॉर्ट आज तक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, ना मैंने कभी वहाँ पर स्टे किया, इतना प्यारा था। तो इस दिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जो लोग भी आए थे उनका बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन हुआ और डिनर करके हम लोग सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं हूँ फुकुओका आइलैंड पे और एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी में हम रुके हुए हैं जिसका नाम है प्रीमियर विलेज। मैं आपको दिखाता हूँ कैसी प्रॉपर्टी है। ये सामने का एरिया है और ये है हमारा रूम। यहाँ पर साहिल भाई खड़े हुए हैं हमारे क्रिप्टो क्राउन यूट्यूब चैनल से, चार्जर का इशू आ गया है, अडैप्टर हम लोग लेके नहीं आए और इनके चार्जर में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। तो वियतनाम अगर आप आते हो और आप ऐसा कोई चार्जर या फिर किसी भी कोई भी उपकरण ऐसा लाते हो जिसमें ये प्लग लगता है तो ट्रैवल अडैप्टर जरूर कैरी करना, फिलहाल हमें मिल जाएगा। और ये है भाई रूम हमारा जिसको हम 2 लोग शेयर कर रहे हैं और इधर है बाथरूम एरिया, काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी प्यारी लोकेशन है, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ। सामने अपना खुद का एक स्विमिंग पूल भी दे रखा है, तो अभी हमने यूज़ नहीं करा है बट बहुत ही जल्द यूज़ करेंगे, नहाएंगे इसमें। और यहाँ पर है लॉबी एरिया, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये बेसिकली अपना पूरा एरिया है, यहाँ पे आके हम कुछ भी बना खा सकते हैं। कल शाम को हमने यहाँ पर कॉफ़ी वॉफ़ी बनाई थी, बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे बैठ के वीडियो वगैरह जो भी करना है कर सकते हो आप, टीवी वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी स्पेसियस है। और इससे अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें मिलता है एक और स्विमिंग पूल जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो ये तो हो गया हमारा पर्सनल, ये कॉमन है, 3-4 विला हैं ऐसे ही उन सभी के लिए। तो अभी यहाँ पर भी हम लोग जा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा है भाई। तो अभी दोपहर में प्लान बना है यहाँ पर स्विमिंग करने का, मज़े लेंगे। और बाकी बस इसके जस्ट पीछे बीच है तो बीच पे भी हम जा सकते हैं एंड अभी जाएंगे भी। तो अभी फ़िलहाल सुबह हुई तो हमने सोचा थोड़ा वॉक करते हैं, तो चलिए वॉकिंग पे ले चलते हैं आपको और दिखाते हैं फुकुओका आइलैंड कैसा है। एंड बाहर से ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी दिखती है, बाहर का ये माहौल है आप देख सकते हो,
यहाँ पर जितने भी विलाज या फिर जितने भी होटल्स बने हुए हैं सारे प्रीमियर विलेज के हैं और सबका डिज़ाइन भी एक जैसा है। और ये एरिया लगभग 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया मैं बाइनेंस के एक इवेंट में आया हूँ, तो यहाँ पे इस टाइम पे 100 से ज़्यादा लोग बाइनेंस की टीम के ही हैं। तो जहाँ भी टहलता हूँ मुझे बाइनेंस के लोग मिल जाते हैं। तो गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल में नहाने। चलो चलते हैं भाई। मजा आ रहा है, फुल बहुत सही है भाई ये। ओह माय गॉड, अरे रवि भाई कम। तो अभी अंडर वाटर शॉट लेते हैं भाई, देखते हैं कैसा आता है। जंप करते हैं सीधा पानी का। अच्छा मैं भी चल। घंटा कहीं बढ़ते ही नहीं हम इधर उधर। तो स्विमिंग पूल में मस्ती करने के बाद हमारी एक मास्टर क्लास थी जिसमें हमें काफ़ी चीज़ें बताई जानी थी, तो वो हमने अटेंड किया। और उसके बाद कुछ कॉम्पिटिशन्स कराए गए। वो सब करने के बाद हम लोग का एक्टिविटीज़ का टाइम हुआ और शाम को हम लोग निकल गए बीच साइड पर, जहाँ पर काफ़ी सारी प्लानिंग कर रखी थी बाइनेंस ने। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ बीच की एक्टिविटीज़ करने के लिए बीच के साइड। ये है हमारी बग्गी, इसको बग्गी बोलते हैं ना। चलो कुछ तो मैच करता है अपने यहाँ से। अभी सामने हमारे वेस्ट बीच जहाँ पे हम जा रहे हैं, तो चलो भाई पहुँचते हैं। तो भाई पहुँच चुके हैं हम लोकेशन पे और भाई क्या बात है, सामने है बीच। वाह, खैर ये अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, सिटिंग वगैरह का एरिया है तो ज़्यादा धूप में फटेगी नहीं, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है भाई, देख सकते हो आप। तो अभी हम बीच पे पहुँच चुके हैं भाई, ये रहा बीच। और यहाँ पे बाइनेंस ने ये एरिया एक्वायर कर रखा है, आप देख सकते हो बाइनेंस के झंडे लगे हुए हैं। और यहाँ पे वॉलीबॉल अभी हम खेलने का सोच रहे हैं, तो चलो खेलते हैं। वो लोग खेल रहे थे वो अभी उधर चले गए, सो नाउ वी कैन प्ले। तो चलो भाई लोग आओ खेलते हैं वॉलीबॉल फिर, है ना। काफ़ी देर से हम लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे और अभी हम करने वाले हैं कायकिंग। ये है भाई बीच, बहुत ही प्यारा बीच। ये है बोट, चलो भाई। We should, we can carry this, right? No, it's a GoPro. No. Why? That's a policy. No. I want to shoot the video. Yes. I can use, right? No. तो भाई कायकिंग के लिए रेडी हो तुम लोग? चलो व्लॉग है। आखिरी बाय कर दे। नहीं नहीं अभी दोस्तों आखिरी बाय पे ना। नहीं अभी नहीं, अभी अभी बहुत, अभी बहुत बनना है। मैं आ रहा हूँ। भाई यार ये गिर ना जाए GoPro, गिर सकता है क्या? लहर के साथ हो जाता है।
तो गाइस अभी हमारी कैकिंग हो चुकी है, बहुत मज़ा आया, कई बार पलट उलट गए थे ये। अब नाव छोड़ के हम लोग जा रहे अपने रूम पे। तो बस गाइस इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, आगे जो होगा मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। फिलहाल आज के इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय द वे हम थे फुकॉक के वेस्ट बीच आइसलैंड पे, जो कि प्रीमियर विलेज की प्रॉपर्टी के अंदर आता है। सो थैंक यू सो मच भैया।